अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम फार्मा स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। इसमें हम एक दो डेफिनेशंस को देखेंगे और जो ड्रग के सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्मा मीन ड्रग एंड लॉजी मीन स्टडी। सो ड्रग के बारे में पढ़ने को, ड्रग के जो इफेक्ट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस पे, उन सारे इफेक्ट्स की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। नाउ ड्रग क्या है? सो ड्रग के लिए आपने याद रखना है, वाइवा में ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि ड्रग क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। सो ड्रग एक फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट है जिसको यूज करके आप किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। सो इट इज अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट विच इज यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिजीज। अगली बात यह है कि ये जो ड्रग है इसके सोर्सेस क्या है, ये कहाँ से आती है। सो ड्रग के सोर्सेस को हम तीन तरह से पढ़ते हैं। ड्रग के जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल भी होते हैं। सो हमारे पास नेचुरल ड्रग्स भी होती हैं, यानी जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास इसके सोर्सेज होते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक से ये मुराद है बच्चों कि ये जो ड्रग है ये नेचुरली ही मिली है हमें, किसी नेचुरल सोर्स से मिली है, लेकिन इसके ऊपर हमने लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसकी पोटेंसी को, उसके इफेक्ट को इन्हेंस किया है, इसलिए उसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की गई हैं 100% आर्टिफिशियली। मोर देन 90% ड्रग्स जो हैं वो सिंथेटिक ही सिंथेसाइज की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह। सही है जी। अब पहले बात करते हैं कि जो नेचुरल ड्रग्स हमने कही हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कौन से सोर्सेज हैं। सो इतनी डिटेल में हम इनकी नहीं जाएंगे, लेकिन नेचुरल सोर्सेज में आपने याद रखना है सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मिनरल ड्रग्स। ठीक है, मिनरल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो हमें कहाँ से मिलती है, मिनरल से, मेटल से, नॉन मेटल से, मेटालॉइड से जो ड्रग्स मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल ड्रग्स कहते हैं। एक दो दो एग्जांपल्स मैं आपको साथ बताती जाऊंगी और आप उससे ऑलरेडी फेमिलियर भी होंगे। फॉर एग्जांपल आयरन जो है मिनरल है और आयरन को आप यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है जी, तो आयरन को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। इसी तरह आयोडाइड को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ठीक है जी, एक और आपको पता होगा कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट, उसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटा एसिड भी, और उसके अलावा लेग्जेटिव्स में भी। लेग्जेटिव्स कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को दी जाती हैं। सो मिनरल ड्रग्स तो बहुत ईजी हो गई। सेकेंड में हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में आती हैं एनिमल ड्रग्स। ठीक है, यानी जो एनिमल से ली जाती हैं, यानी उनका जो सोर्स है वो एनिमल की बॉडी है। तो प्रीवियसली बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ हार्मोन है वो एनिमल की बॉडी से ही लेके इंजेक्ट किया जाता था किसी दूसरे एनिमल को, लेकिन अब जो है वो सिंथेटिकली और ई कोलाई से भी बन रहा है। सो एनिमल ड्रग्स की एग्जांपल में हमारे पास इंसुलिन आता है। ठीक है जी, इंसुलिन लेके दूसरे पेशेंट को लगाया जाता है एनिमल की बॉडी से ही। उसके अलावा हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सेक्स हार्मोन्स वगैरह हैं, तो ये हम कहाँ से लेते हैं, इनका जो डेरिवेटिव है या इनका जो सोर्स होता है वो एनिमल की बॉडी ही होती है। थर्ड में हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में आ जाती हैं प्लांट सोर्सेज। ठीक है जी, आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास क्या थे, ओल्डर सोर्स हैं ड्रग्स का। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो ओल्डर सोर्स हैं हमारे पास ड्रग्स का। प्लांट से बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो हैं वो बनती हैं और ली जाती थी। अब जो प्लांट से ड्रग्स आती हैं उनका जो एक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा मेन ग्रुप है, कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल है। तो प्लांट से जो ड्रग्स ली जाती हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर कौन सा ग्रुप है। ठीक है जी, कुछ होती हैं अल्कलॉइड इन नेचर। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, अल्कलॉइड या नाइट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, हम क्या कहते हैं, दीज दोज ड्रग्स आर अल्कलाइड इन नेचर। फॉर एग्जांपल मॉर्फीन। ठीक है जी, और मॉर्फीन को यूज किया जाता है एज एन एनल्जेसिक, पेन किलर के तौर पे। सही है, इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स भी होती हैं, इनके अंदर बहुत कम नाइट्रोजीनियस ग्रुप होता है, लेकिन जब ये हाइड्रोलाइज होती हैं तो कार्ड्स देती हैं। ठीक है जी, तो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं उनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन वगैरह। सही है, ये हार्ट रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, यानी कार्डियोटॉनिक होती हैं। उसके अलावा हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में आखिरी चीज़ आ जाती है माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक है जी, कौन सी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिन्हें किससे लिया जाता है, माइक्रोब से, और वो कौन सी ड्रग्स हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो माइक्रोब से सिंथेसाइज करते हैं, तो वो क्या हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन या पेंसिलीन वगैरह, स्ट्रेप्टोमाइसिन या पेंसिलीन वगैरह। तो ये हमारे पास सारे के सारे कौन से हो गए हैं बच्चों, नेचुरल सोर्सेज हो गए हैं। नेचुरल के बाद मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास कौन सी होती हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक की एग्जांपल आप याद रख लें हाइड्रोकोडोन। ठीक है जी, कौन सी है हमारे पास, हाइड्रोकोडोन,
देन हमारे पास आ जाती हैं सिंथेटिक। तो सिंथेटिक मैंने आपको बताया है कि मोर देन 90% जो ड्रग्स हैं वो सिंथेटिकली सिंथेसाइज की जा रही हैं आर्टिफिशियली लेबॉर्टरीज के अंदर। फॉर एग्जांपल एंटी हिस्टामिन हो गया, सही है जी, एस्पिरिन हो गई, उसके अलावा पैरासिटामोल हो गई, या जितनी भी बाकी ड्रग्स हैं, सही है। तो इस तरह ड्रग्स जो हैं वो हमें नेचुरली भी मिलती हैं, सेमी सिंथेटिकली भी मिलती हैं, सिंथेटिकली भी मिलती हैं। इनकी एक दो दो एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। अब एक बेसिक चीज़ हमें पता चल गई कि ड्रग क्या है और ड्रग कहाँ से आ रही है, सही है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़नी है वो ये पढ़नी है, मतलब अभी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इनको लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हमने ये पढ़नी है कि हमने कहा कि ड्रग हम देते हैं, ठीक है जी, जिसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हम बॉडी के ऊपर, तो ड्रग को देने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूट्स होंगे ना, तो ड्रग बॉडी में जिन रूट्स के थ्रू एडमिनिस्टर्ड होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों उन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये रूट्स जो हैं बेसिक फार्मा का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ ड्रग्स हैं वो ओरली दी जाती हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं वो इंट्रावीनियसली दी जाती हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं वो इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट की जाती हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं वो टैबलेट की फॉर्म में देते हैं, कुछ ड्रग्स हम सोल्यूशन की फॉर्म में देते हैं, इसी तरह कुछ ड्रग्स को ड्रिप्स की फॉर्म में इन्फ्यूज़ किया जाता है बॉडी में विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और कुछ ड्रग्स जो हैं वो इनहेल कराई जाती हैं, जैसे इरोजल स्प्रेज हो गए, एनेस्थेटिक्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें इसके रूट्स जो हैं और इसकी जो डोजेज फॉर्म है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी।